ये हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट और सलिल भट्ट। पिता और पुत्र की इस जोड़ी ने कल दिल्ली के नेहरू पार्क में बरसात की फुहारों से भीगी सुबह को अपनी विलक्षण जुगलबंदी से सराबोर कर दिया। इस अनूठी जुगलबंदी ने प्रभात राग के इस आयोजन को एक अनूठा आकर्षण तो दिया ही, साथ ही साथ उपस्थित श्रोताओं के लिए भी ये दुर्लभ अनुभव बन गया। हमारे शास्त्रीय संगीत का उचित संरक्षण बहुत आवश्यक है और उसका एक ये सूक्ष्म प्रयास है, तो ये छोटे छोटे प्रयास हम लोग सब मिलकर करें इस तरह के, तो मैं ज़रूर समझता हूँ कि हमारी संस्कृति ज़रूर बची रहेगी। आजकल विदेशी संस्कृति का आक्रमण हम पर है, तो ऐसे नाजुक वक्त में मैं समझता हूँ ये ज़्यादा ज़रूरी है, इस तरह के आयोजन अधिक ज़रूरी है कि इस तरह के आयोजन हो, जिससे लोगों को ये पता चले कि हमारा शास्त्रीय संगीत कितना रिच है, कितना महान है। उल्लेखनीय है कि विश्ववीणा ग्रैमी अवार्ड विजेता पंडित विश्व मोहन का नया आविष्कार है और ये आयोजन इस साल का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन था। पंडित विश्व मोहन भट्ट विश्ववीणा के तार झनकृत कर रहे थे, जबकि उनके पुत्र मोहन वीणा को साथ रहे थे। यह एक ऐतिहासिक अवसर था जब पिता और पुत्र ने विश्ववीणा और मोहन वीणा का एक साथ वादन किया। आज मेरे लिए बहुत ही बड़ा, बहुत ही अहम दिन मेरी जिंदगी का आज था कि मुझे इतना सम्मान दिया गया कि मैं अपने गुरु अपने पिता के समकक्ष बैठ के उनके पैरेलल बैठ के और जुगलबंदी, हालांकि पिता पुत्र या गुरु शिष्य में जुगलबंदी ये टेक्निकली शब्द इतना हो सकता है नहीं फिट बैठता हूँ, लेकिन आज मुझे इतना सम्मान दिया गया और मुझे इतनी अनुमति मिली अपने गुरु से कि मैं उनके समकक्ष बैठ के उनके पैरेलल बैठ के बजा सकूँ और अपने स्वरों का योगदान दे सकूँ। इस प्रभात राग में संगीत प्रेमियों ने पूरे उत्साह से भाग लिया। श्रोताओं में युवा वर्ग की उपस्थिति इस बात का एहसास ही नहीं कराती बल्कि आश्वस्त भी करती है कि देश में शास्त्रीय संगीत के प्रति जनसामान्य की रुचि बढ़ रही है और इसे लोकप्रिय बनाने में ऐसे आयोजनों का विशेष महत्व है।